है दोस्तों, मैं सिक्किम जाने के लिए तैयार हूँ और कुछ सामान पैक कर रहा हूँ। ये है अपना राइडिंग जैकेट और जो कि आया था बाहर से, तो हम लोग अभी रात में ही सारा सामान बांध करके अर्ली मॉर्निंग निकल चलेंगे। बढ़िया बढ़िया कौन देखेगा। ये थोड़ा सा झोला हो गया है, कोई नहीं, इनर वगैरह डालना है ना, तो इनर वगैरह डालेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। हे गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह का चाय के साथ और सुबह कभी भी साहिल मुझे सी ऑफ करने के लिए उठ गया है। हाय बोलो साहिल, मेरे लिए खाना पका दी गर्म जी, तो पता चलेगा जाइएगा तब। जल्दी जल्दी इसको शेयर करिए ताकि मैं और भी आगे लंबी लंबी राइड कर सकूं। दोस्तों मैं ऑलरेडी लेट हो गया था और मैडम बोले कि चाय पी लीजिए, तो चाय पी रहा हूं मैं। मैं जानता हूं कि मैं सलमान खान या शाहरुख खान नहीं हूं, लोग मैं कुछ भी करूं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं अपना काम तो करूंगा इन दोस्तों। और बहुत मुश्किल से मैंने सामान को आखिर बांध ही दिया। फर्स्ट टाइम बहुत परेशानी हुई थी, बच्चे हाई कल भी निकल रहे हैं, तो हम लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलते हैं फिर रोज में मिलते हैं। आने। आ रहे हैं। हाँ आ गए। तो हम लोग अब निकलने के लिए रेडी हैं। मोबाइल हमें दान करके जा रहे क्या? मोबाइल हमें दान कर रहे हैं। वेलकम टू वंस अगेन दोस्तों, और हमारी जर्नी है वो शुरू हो गई है। मैं 2 घंटे विलम्ब हो गया और अभी हम माता के देवी के दर्शन करने के लिए चलते हैं, तो उसके बाद इसमें एयर प्रेशर वगैरह चेक कराएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ताकि काफ़ी ठंड है पर जब बाइक चल रहा है तो भाई वास्तविक में ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और हाथ बात तो अभी मैंने पहना नहीं इक्विपमेंट, क्योंकि मैं लेट हो रहा था। अब घर में रहने के बाद लेट होता तो ये सुविधा नहीं था। और अभी हम लोग फुल टंकी फुल कराएंगे, तो वीडियो में बनी रही है। उसके बाद हम लोग ग्लव्स निकाल के पहनेंगे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है और मेरी राइड है कि लगता है कि अभी 1 घंटे के बाद शुरू होएगी। तो ठीक है, राइड वाली जो ट्रिप थी ना वो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, तो हम भी अब निकल चुके हैं अपने मंजिल की ओर। सर्दियों की वादियाँ में मैं जो राइड कर रहा हूँ सिक्किम राइड, उसका मैंने दिया है सर्दियों की वादियाँ में। ठीक है, सर्दियों की वादियाँ में हम लोग चलेंगे, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में टंकी फुल करा करके। तो तब तक बने रहिए वीडियो में। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत ये रहता है, तो कल पापा को मैंने बोला था, तो भाई आपके इलेक्शन पता है आपको, भाई आपका इलेक्शन जीता हुआ है, तो पापा थोड़ा सा बोर फील कर रहे थे कि काम कौन करेगा। उनका कहना था कि काम करके जाइए, तो भाई मैं घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ ना, मैं भी काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो हम अभी निकल गए हैं और हम लोग पेट्रोल फिल कराएंगे, पेट्रोल फिल करा के उसके बाद हम लोग सुबह सुबह यहाँ से सारे पालक पटना के मार्केट में पहुँच जाते हैं। साइड में लैपटॉप, कुछ पूजा ने खाना बना के दे दिया था और आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम निकलते हैं पंप की ओर। क्या रे मेरा ये है, तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि टंकी फुल करा लूँ। ले लेते हैं
कहाँ हो भैया? पेट्रोल वाला फुल कर दा। अरे फुल करवाता ना जाम। घूमते रहते हैं, कब कहा करेंगे, जितना घूमेंगे उतने पैसा कमाएंगे। ले अच्छा ठीक, खुदरा ना दिया तब गड़बड़ान के लिए काम। तब अभी हम लोग तेल भरा लिए हैं और सेतु जो कि सबसे बड़ा मतलब कि पुल माना जाता है एशिया में, और इसके पैरेलल समानांतर बगल में बन रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो बस उसको थोड़ा सा आगे हम लोग रुक करके थोड़ा सा उसको एडजस्ट करेंगे। ये है महात्मा गांधी सेतु। इन लोगों का पता ही नहीं कब कहाँ रोक देंगे। पहुँच चुके हैं हाजीपुर में। फाइनली दोस्तों महात्मा गांधी सेतु को हमने क्रॉस कर लिया है, और क्रॉस करने के बाद अब हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आ गए। सुबह सुबह तो चाय मैंने पी लिया था, तो जब चाय पी लिया था तो और चाय पीना है, लेकिन हम उसके लिए अभी नहीं रुकेंगे, हम आगे थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि अभी अभी हम घर से निकले हैं और ऐसे हम पॉइंट ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लान अगर कहीं भी आप जा रहे हैं तो प्लान के हिसाब से काम करिएगा, तब जा कर के आपका सब कुछ ओके ओके होगा। एयर प्रेशर को चेक करवाना होगा, स्कॉर्पियो वाला जितना भी है आप सब कुछ छोड़ करके नहीं है, कुछ लोग को छोड़ करके ट्रक ड्राइवर ही भर्ती हो जाते हैं, ट्रैक्टर के ड्राइवर समझ में नहीं आता है उनको, पे पे ये क्या है पे भाई। भूटान के साइड में ये सब बहुत मतलब कि पॉपुलर चीज़ नहीं है कि आप उसको सीरियसली मतलब आप कहीं भी पे कर सकते हो। और लेके चला आया भाई, गलती हो गया, हमें उधर जाना था, कोई नहीं आगे तो होगा रास्ता ज़रूर होगा। और अपने सूर्य देवता पूरे के पूरे गर्दा उड़ा के रखे हुए हैं। ये हो सकता है हवा दे दे भाई, हवा दोस्तों। अगर फॉग नहीं रहता ना तो अभी जो मैं नज़ारा नग्न आँखों से मैं नज़ारा जो देख रहा हूँ वो नज़ारा आप देख सकते थे। नेचर जो नेचर के ब्यूटी है ना, तब से मैं सोच लिया कि मैं राइडर बनूँगा और राइडिंग करूँगा और अपने इस मशीनरी टूल से घूमने के लिए निकलूँगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तो हम लोग मुजफ्फरपुर से निकले हैं, काफ़ी आगे निकल गए हैं, और यहाँ से जो रिवर है वो मान ली कि दिखेगा। ये कौन सा बेरीज आ गया भाई, कोई भी बेरीज आ जाए हमें क्या करना है। और दरभंगा, वेलकम टू दरभंगा मेरे भाई। ओहो दरभंगा यहाँ से 8 किलो है, मतलब बिहारी स्टाइल में बोले तो बाबा 8 किलोमीटर है दरभंगा। सड़क है ना NH के रूप जो भी कहते हैं, इसका मेंटेनेंस ठीक से है नहीं, आने वाला होता है ना तो बहुत ही ये होता है। और थैंक गॉड कि सूरज के धूप में गर्मी। हम लोग अब खाना खाते हैं, और खाना खाने के लिए
होटल का इंतजार क्या है, बगल में खाना है पानी है तो खा लेंगे, उसके बाद चलते चलेंगे। तो हम लोग खाना शुरू करते हैं। जूता उत्ता सारा खोल दो। ये रोटी है और ये भुजिया है। मुझे मिला था वन टाइम में खाना तो मिल जाएगा, पूजा ने दे दिया था खाना खाने के लिए, तो हम रोटी शुरू हो जाते हैं खाने के लिए। यही जिंदगी है भाई, यूट्यूबरों का यही जिंदगी है। अब की बार कैंप में लेके आ जाएंगे तो 200 किलोमीटर की दूरी अभी तय करनी है। बने रहिए। स्टॉप। रास्ते के सफर में ये खराब लगता था, लेकिन ये इसका वैल्यू समझ में आता है भाई। इसके वैल्यू के लिए हम खाना शुरू। सामने क्या नजारा है भाई, बुलेट दो दो बार बुलेट बुलेट मतलब बुलेट खतरनाक वाला राइड। डुक 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 डुक। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका जो साउंड है उसके पीछे लोग दीवाने हैं। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ठोकिए पूरा का पूरा। और अभी तो ट्यूब हैली है, इधर भी ट्यूब हैली है पूरा, क्या करें। और एक फोन रहता तो मज़ा आ जाता दिखाने के लिए। अभी 16-15 किलोमीटर और है, बहुत है। मस्त मस्त व्यू, मस्त। बजरते पहुँच गए सिलीगुड़ी और ये बालाजी बहुत ही अच्छा होटल है। मैंने गोय आईबीबो से बुक किया था, मेरे को 1000 रुपये पड़ा। एसी रूम है, आप जिसे देख सकते हैं एसी रूम है और क्लीनेस्ट है, बढ़िया है। और एक कबर्ड भी है और ये सब है। ये मेरा टैंक बैग पूरा गंदा हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि बाथरूम वगैरह पूरा नीट एंड क्लीन है, ठीक है। तो दोस्तों और ये रहा मेरा लगेज, सारा बिखरा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब मैं हो गया हूँ, थक गया हूँ। तो आज सर्दियों के वादियों का आज आखिरी दिन है, सॉरी सर्दियों का वादियों का आज पहला दिन है। और पटना से हम चले थे सुबह में 5 बजे और 9 घंटा पक्का गूगल बाबा के द्वारा हम लोग पहुँच गए हैं। तो वीडियो में ट्यून रहिए और देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए आज इस ब्लॉग को करते हैं पूर्ण विराम और मैं खाता हूँ पीता हूँ, फिर कैसा इस होटल का भोजन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए।